सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप स्थित मुथूत फाइनेंस कंपनी कार्यालय से आधा दर्जन अपराधियों ने 5 करोड़ का सोना और नगद 2 लाख रुपए लूट लिया। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक के समीप स्थित मुथूत फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में घुसकर आधा दर्जन अपराधियों ने 2 लाख रुपए नगद सहित लगभग 5 करोड़ रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। बुधवार की दोपहर गोल्ड लोन लेने के बहाने कार्यालय में घुसे सशस्त्र अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के गार्ड और मैनेजर विनय कुमार सिंह सहित अन्य कर्मचारियों को मारपीट कर कब्जे में कर लिया और कार्यालय में लूटपाट मचाते हुए 2,06,000 नगद सहित 5 बैग सोना लूटकर चलते बने। उत्तर बिहार में अब तक की लूट की सबसे बड़ी घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी राकेश कुमार, नगर डीएसपी मुकुल रंजन दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेते हुए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। इस बीच तिरहुत जोन के आईजी सुनील कुमार और एसएसपी मनोज कुमार ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस संबंध में एसएसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए फाइनेंस कंपनी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। एफएसएल की टीम भी जांच के लिए बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि लुटेरे गिरोह के पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर हर दृष्टिकोण से कार्रवाई की जा रही है, साथ ही आसपास की जिलों की पुलिस भी इत्तला कर दिया गया है। इसमें 5 से ऊपर अपराधी फाइनेंस के चैम्बर में गए और सेफ खुलवा करके वहाँ पर जो कस्टमर का सोना होता है उसमें से कुछ सोना बैग में भर करके ले गए हैं। इनका 9 करोड़ का लिमिट, उसमें से जो सोना ले गया है, इनकी जुबानी करीब 5 करोड़ का है। शेष जो बचा हुआ है उसका हम लोग मिलान करेंगे। एफएसएल पहले जांच कर ले, एविडेंस का संकलन वहाँ से कर ले, उसके बाद है तो ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अपराधी का चेहरा स्पष्ट है, इनका कार्य करने का मोडस स्पष्ट है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी टीम इनको जल्दी दबोचेगा। फॉलोअप क्या कैसे लिया जा रहा है? पुनः क्वेश्चन रिपीट करें। फॉलोअप पुलिस ले रही है इस केस को सॉल्व करने के लिए, क्या कैसे? देखिए, पूरे जिले में सूचित किया गया है और नाकेबंदी की गई थी, आसपास के जिलों को भी बताया गया है। हम लोगों ने कुछ गाड़ियों को चिन्हित किया है, उसको हम लोग लोकेट कर रहे हैं। ऐसे अपराधी का चेहरा खुला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस सोच की तरह है जो खुला हुआ है, लेकिन जिस जगह भी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं घटी होगी उस पुलिस से हम लोग मोडस को मिलाएंगे, सहयोग लेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे। चेहरा खुला हुआ है, पहचान हो रही है क्या? चेहरा सामने है, पहचान अभी होना बाकी है। उम्र करीब 25 के आसपास के। हाँ, 2 सीसीटीवी में दिख रहा है कि कट्टा इनके हाथ में था। घायल भी है कोई? बाइक से आए थे या? मैनेजर को मारा है जिसे तो हल्का ही घायल है, बाकी लोगों ने मार। कितने की संख्या में? डिटेल के साथ में। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने पूरी घटनाक्रम की गहन जांच की और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कही। ऑफिस है भगवानपुर गोलंबर के पास फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर दिन में सुबह 12:45 बजे 4-5 अपराध कर्मी इन्होंने आए थे यहाँ पर और यहाँ पर कर्मियों को बंधक बनाकर सेफ में रखा सोना और कैश लूट कर ले गए हैं। हम लोग अभी जो अपराधी उनकी पहचान करने की कोशिश में लगे हुए हैं, फुटेज वगैरह प्राप्त कर रहे हैं और उनके आधार पर जो भी अपराधी पहचान की जाएगी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कैश बता रहे जैसे काउंटर पे था, 2 लाख कैश था और सोना ज़्यादा अमाउंट में था। एग्जैक्ट अमाउंट अभी लोग एस्टिमेट करने के बाद ही बताएंगे, कुछ करोड़ में है, लेकिन एस्टिमेट जो है बैंक स्टाफ ने बताया है, यहाँ के फाइनेंस कर्मी ने बताया है कि एक टीम आएगी और एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट के बाद ही एग्जैक्ट अमाउंट ये लोग पूरी सीजन में बता पाएंगे। क्या लगता है सर, वैशाली जिले में 1 करोड़ का लूट हुआ था, कहीं उससे रिलेटेड कोई गिरोह तो नहीं? मे भी यहाँ पर आसपास के जिलों जो भी नेबरिंग जिले हैं, राज्य हैं, जिस प्रकार की घटना हुई है ये लोग प्रोफेशनल लगते हैं, आसपास घटना में कार्य किए होंगे और जो भी अगल बगल के जिलों में जो इस प्रकार की घटनाएं हुए हैं हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं सभी जिलों से और जो भी उसमें चार्जशीटेड है या संदिग्ध है सभी के उसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे और इसके बाद जो भी हमारा डिटेल्स मिलेगी हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे। सेल्फ सिक्योरिटी यहाँ कम थी, आर्म गार्ड भी नहीं था? आर्म गार्ड यहाँ पर गार्ड 2 ही थे लेकिन आर्म नहीं थे, और अगर आर्म गार्ड नहीं थे इनके पास अलार्म सिस्टम था लेकिन अलार्म सिस्टम तो बजा नहीं पाए। वही उत्तर बिहार की अब तक की यह सबसे बड़ी लूट आकी जा रही है। सिटी न्यूज संवाददाता सोनू शर्मा ने बैंक के गार्ड से पूरी घटना के क्रम की पूछताछ की।
सदर थाना के चंद कदमों की दूरी पे ये मुथूट फाइनेंस कर्मी है, जहां पे आज करोड़ों की ज्वेलरी हथियारबंद डकैत ने लूट ले गए हैं। हमारे साथ गार्ड है, हम उनसे जानते हैं कि कैसे घटना घटी और क्या घटना घटी है। क्या हुआ है, मतलब कब की घटना है? 11:30 बजे एक कस्टमर के रूप में आए यहाँ पे, उन्होंने एंट्री किया, उनको जाँच पड़ताल करके हम ले गए अंदर। उस गेट पर ले जाने के दरमियान उन्होंने हमसे मारपीट की, चाबी छीन ली, फिर मेन गेट खोल कर बाकी अपने साथियों को अंदर बुलाकर सारे लूटी। लगभग कितने की संख्या में थे? 500 की संख्या में। कितने के पास हथियार था? 2 के पास। क्या आप लोगों के वार भी किया करते हैं हथियार से? नहीं, वार किया यहाँ को मारा, वार भी किया, घसीटते हुए ले जाकर अंदर बंद कर दिया। उसके बाद लूट कर चले गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ हो गए हैं और जानबूझकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इस घटना की सूचना मिलने पर सारे आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अपराधी बेखौफ हो गए हैं। वहीं पूरे घटनाक्रम को देखते हुए तिरहुत परिक्षेत्र के आईजी सुनील कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और अपने अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पूरी घटना पर लगातार अधिकारी लगे हुए हैं और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। इसमें सकारात्मक दिशा में जांच चल रही है और जल्दी ही इस केस का उद्भेदन होगा। हम लोग कई ग्रुप पर काम कर रहे हैं और काफी हद तक हम लोगों ने अपराधियों की पहचान की है। हमारी टीमें सब जगह काम कर रही हैं, जल्दी हम लोग जो प्रगति होगी आप लोगों को। कुछ कस्टमर्स का सर ये डिमांड है कि कुछ हमारे सामान जो गायब हैं उनके रिकवरी किया जाए। प्रोसेस ही है, प्रोसेस है। उनके पदाधिकारी अभी सीनियर यहाँ पहुँचे नहीं है, आ रहे हैं। जैसे आते हैं तो इन्वेंट्री भी बनाई जाएगी और जो लॉसेस है उसको देखकर उसके बारे में।